नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। ग्रामीण अंचल में भी पैर पसारने लगा है कोरोना। गांव में मिले कई कोरोना संक्रमित। सिरसा जिला में आज 4 कोरोना पॉजिटिव और पाए गए। एलडी स्वामी की खास रिपोर्ट। खंड के गांव नीमला में कुछ दिनों पहले दिल्ली से लौटे 30 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एलनाबाद क्षेत्र का ये दूसरा संक्रमित केस है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति 16 मई को दिल्ली से लौटा था। लगभग एक सप्ताह माधव सिंगाना के पास एक पेट्रोल पंप पर रहा। 24 मई को वह अपने गांव लौटा, जिसकी रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव की खबर सुनते ही निमला सहित आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। वहीं उपमंडल नागरिक अस्पताल प्रभारी हरप्रीत कौर टीम को मौके पर लेकर के पहुंचे। संक्रमित व्यक्ति को सिरसा के अस्पताल भेज दिया गया, जिसे कोविड अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा संपर्क में आए परिवार सहित 13 लोगों को भी कोविड-19 नमूने लिए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए तहसीलदार हर के गुप्ता भी, डीएसपी जगदीश काजला, थाना प्रभारी राधेश्याम शर्मा भी पुलिस दल के साथ पहुंचे। संक्रमित व्यक्ति की गली के पास में आसपास के घरों को पूरी तरह सील कर दिया गया और उसके बाद कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। प्रशासन ने अलग अलग गाँव में सरपंचों और आशा वर्करों को सतर्क रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा कोरोना संक्रमण अब तक देश के बड़े शहरों में ही कोरोना संक्रमण फैला रहा था, लेकिन इन दिनों संक्रमण की स्थिति भयानक रूप धारण कर चुकी है। बड़ी चिंता का विषय ये तब बना जब गांव में अपने पैर पसारने लगा। अब लोग सरकार द्वारा बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी नहीं जानते। वहीं नीमला में आए हुए संक्रमित व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री खंगालना भी टेढ़ी कीर बना हुआ है। सिरसा जिला के अलग अलग जगह पर ये 4 कोरोना संक्रमित आज एक बार फिर मिले हैं और जो इनके संपर्क में आया है उनकी भी जांच की जाएगी। अगर इसी तरह से लापरवाही बरती गई तो गांव में खासकर ये स्थिति और भयानक हो सकती है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। जी सर, ये आज एक सैंपल की रिपोर्ट आई है निमला गांव से। ये शंकर सनो हरिराम है, दिल्ली से आया था 23 तारीख को और 30 तारीख को इसको सैंपल लिया था। इसकी रिपोर्ट आज आई है। इसको हमने यहाँ से कोविड हॉस्पिटल सिरसा में ट्रांसफ़र कर दिया है और बाकी जो इनके घर के मेंबर हैं आसपास के जिनसे मिले थे वो लगभग 13 की संख्या में उनके सैंपल लेकर के उनके भेज दिया है। उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो जोन बनाया है उसकी सारी नाकाबंदी करके 51 हाउसेज का जोन बना दिया गया है। उसके अंदर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा दी गई है, जिस चीज़ की सब अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई, जिस चीज़ की जो व्यवस्था जिसने करनी है और सभी को हिदायत कर दी है, आप अपने घरों के अंदर रहेंगे और मास्क लगा के रहेंगे, घर से जोन से बाहर नहीं निकलेंगे और न कोई इस जोन के अंदर आएगा न कोई जाएगा। ठीक है। आज सिरसा में 3 और पॉजिटिव कंटेनमेंट जोन से डबवाली के केसेज आए हैं और एक केस एलनाबाद से आया है और वो दिल्ली की हिस्ट्री थी। कुल मिला के हमारे पास में अब जहां तक हम देखें सिरसा जिले की बात, 3,070 लोग हैं वो हमें ट्रैवल हिस्ट्री के साथ मिले और हमने सभी 3,070 लोगों को ट्रेस कर लिया और उसमें 1,062 लोग हैं जिन्होंने 28 दिन का अपना क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। 2638 सैंपल लिए गए और जिसमें से 47 पॉजिटिव हैं और 2372 नेगेटिव हैं, 207 की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। और जहां तक हम बात करें कि अभी हमारे पास में सिविल हॉस्पिटल सिरसा में 32 लोग एडमिट हैं और 4 अग्रोह में एडमिट हैं। बाकी की हम सर्वे उनका कर रहे हैं, सभी पेशेंट्स का जो उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अपने हमारे नॉलेज में आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने और अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, सरकार की हिदायतों का पालन करें। कंटेनर अभी जो है जो छूट है वो सिर्फ आपको आने जाने के लिए दी गई है, कोरोना से छूट नहीं है। कोरोना आप समाज में बहुत ज्यादा फैल रहा है, अपने आप का और अपनों का और समाज का ध्यान रखें। धन्यवाद।